डालो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है एक्चुअली। तो हम लोग सुबह में थोड़ा से छुट्टी था तो थोड़ा इधर उधर चले गए थे, थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग, कुछ कुछ इधर उधर देखना, कुछ सामान भी लेना था, तो वो सब लेके आज हम लोगों ने फिश लिया है। फिश का नाम है मैकरल फिश, और उसको आज हम लोग तवा फ्राई करके बनाएंगे। तो सारा प्रोसेस जो है वो ये बताएंगे, क्या क्या मैरिनेशन में क्या क्या डाला है वो भी आप बताएंगे। तो बताइए, मैरिनेशन में हमने डाला है, उसको हम रवा फ्राई करना चाह रहे हैं, तो आई वॉन्ट इट टू बी लिटिल क्रिस्पी आउटसाइड। सो रवा और बेसन का पाउडर मिक्स किया है और उसमें फिश फ्राई मसाला ऐड किया है। हाँ, ये भी, और उसके अलावा इसमें ऐड किया है हमने हल्का सा गरम मसाला एंड हल्दी, फिर ऊपर से लेमन जूस, और लेमन जूस में थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हम फिश को मैरिनेट कर सकें इस पेस्ट में। तो पेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसमें सूजी डाला गया ताकि वो क्रिस्पीनेस, एक लेयर होता है ना, वो क्रिस्पीनेस आए वो कोटिंग के लिए, और बेसन भी डाला गया ताकि एक कोट हो जाए अच्छे से फिश के ऊपर। तो आज ये बनेगा, और मैं अपने लिए बना रही हूँ छोला, मतलब ये भी खाएंगे छोला चावल, जैसे कि आपको कल बताया था हमने रात में ही फुला दिया था। तो बस ये सब प्रोसेस करेंगे, और आप भी देखिए कैसे बन रहा है फिश फ्राई और साथ में छोला। ये हमारा मैकरल फिश, हमारे पास टोटल 6 पीस है मैकरल फिश का। तो हमने जो पेस्ट रेडी किया है उससे इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे तरीके से, और हमने बीच बीच में ये और स्लिट कर दिया है ताकि ये मसाला अच्छा से अंदर जाए और कुक अच्छे से हो जब हम इसको तवा फ्राई करेंगे।
जिस परिस्थिति में मनुष्य करता है तो वो उसका अनुभव होता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा जो प्रतिक्रिया है ना, मतलब हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वही उसी से फ़र्क पड़ता है। तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं अपने परिस्थिति में, हम कैसे उस चीज़ का सामना करते हैं, हम कैसे उस चीज़ से जूझते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, हमारा रिएक्शन इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा वाला बिस्किट बना रही थी, तो आटा वाला बिस्किट सोचा बनाती हूँ, देखती हूँ। पहली बार बनाया है ये, मल्टीग्रेन आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ और बटर मिलाया है, बस इसमें आटा मिला के ये तीन चीज़ें ही मैं बनाती हूँ। तो ये छोटा थोड़ा सा बना के रखा था मैंने, बाद में बनाया मैंने। बस अब चाय वाय पीने का टाइम हो गया है, मौसम भी आज बहुत अच्छा हो गया है और लगता है बारिश वारिश होगी, बट अभी तक तो हुई नहीं, बट होगी ज़रूर। और बस अभी बज रहा है 5:45, चाय बनाएंगे गरम गरम, और सोच रही हूँ थोड़ा अदरक डाल के बनाऊँ चाय, थोड़ा मन कर रहा है खाने का, मतलब सॉरी पीने का। अच्छी हवा चल रही है बहुत, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए थे। यहाँ का फेमस कॉर्नर हाउस है, यहाँ बहुत फेमस है बैंगलोर में, तो जो बैंगलोर से वो रिलेट कर लेंगे कि बहुत फेमस है और बहुत अच्छा रहता है उसका आइसक्रीम। तो मैंने मुझे फ्रूट्स वाला आइसक्रीम बहुत पसंद है, फ्रूट और आइसक्रीम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो लिया। अंश ने एक वनीला स्कूप लिया, तो बस ये थोड़ा बहुत किया, घूम के आ गए और थोड़ा पानी पूरी भी खाया, क्योंकि जस्ट बगल में ही था शॉप, तो मेरा मन करने लगा। और अंश ने थोड़ा एक दो चॉकलेट्स लिया, बस ये सब थोड़ा बहुत घूम फिर के हम लोग आए। और बस अभी चाय पियेंगे और शाम का मज़ा लेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि मौसम अच्छा है, और चाय पियेंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो बस शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ फटाफट, दूध चाय चीनी चाय पत्ती, और साथ में मन कर गया क्योंकि शाम में बिना चाय के, मतलब चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो फ्राइम्स फ्राई कर रही हूँ, और चाय और फ्राइम्स खाया शाम को आराम से। और सुबह में दूध बॉईल किया था तो वो फट गया था, तो मैंने यहाँ भी शाम में फिर से दूध बॉईल किया, क्योंकि शाम में शौर्य एक गिलास दूध पीता है, तो वो साथ साथ वो भी कर लिया, क्योंकि दूध सुबह पता नहीं शायद गर्मी बढ़ गया है तो थोड़ा देर ज़्यादा छूट गया दूध, तो दूध फट गया, तो दो बार वो काम बढ़ जाता है, इसलिए देखना ज़रूरी है। फाइनली मैंने बालकनी मेकओवर का पार्ट टू के लिए ना सारा प्रिपरेशंस कर लिया। कल हम गए थे बाहर, तो मैं ये पेंट लेके आई हूँ, 200 ml का वाइट पेंट है, और जानबूझ के छोटा लिया है ताकि वो खुला रहता है ना तो सूख जाता है, तो ये दो छोटा 100 ml का पेंट लिया है, 70 rupees का दिया है, लोकल शॉप से लिया है। ये एक्चुअली ए हाई ग्लॉस एनामल पेंट है, तो ये लिया। फिर साथ में पेंट लग जाता है हाथ वाथ में ना, तो उसको क्लीन करने के लिए थिनर लिया है, ये आई थिंक 120 rupees का है। ब्रश लिया है
पेंट करने के लिए, ये आई थिंक 60 रुपीज़ का दिया है, ये याद नहीं मुझे। ये ब्रश अच्छा ब्रश है, सॉफ्ट है, ये लिया। और साथ में एक लीटर टर्पेंटाइन ऑयल भी लिया है, ताकि वो पेंट में मिला के उसको थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि वो पेंट बहुत थिक है, मतलब कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो ये लिया है। ये सारा सामान मुझे पड़ा 300 रुपये का। तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि स्प्रे पेंट लिया था मैंने पिछले बार, आपको दिखाया था बालकनी मेकओवर का पार्ट वन, जो मैं बालकनी मेकओवर का पार्ट वन कर रही थी, तो वो मुझे पड़ा था 220 रुपये का, एक बस 400 ml। और ये पूरा सामान मुझे पड़ा है 300 रुपये का, मतलब वो बस एक कैन था, बट मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका स्प्रे बहुत ज़्यादा, तो जब स्प्रे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अनहेल्दी लगा, क्योंकि वो उड़ रहा था बहुत, और ठीक नहीं है वो उतना स्प्रे इनहेल करना, या किसी के लिए भी, स्पेशली बच्चे हैं घर में। तो मैंने इस बार सोचा कि नहीं, पेंट ही करेंगे, तो मैं पेंट लेके आई हूँ, और बस जब भी करूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल ये सब लेके आए हैं पूरा, ये लोकल शॉप में आराम से मिल जाता है, आराम से कोई भी हार्डवेयर या पेंट वाले शॉप होता है ना, वहाँ पे मिल जाता है ये। तो बस ये लेके आ गए हैं, और बस पेंट करना बाकी है, देखते हैं कब फुर्सत मिलता है पेंट करने का, बट जल्दी ही करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। खाना और डिनर विनर हो गया है, आज वही सुबह छोला बज गया था, रोटी बनाया, और साथ में हाँ रोटी और छोला खाया, और इन्होंने तो फिश खाया, सुबह वाला फिश था। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और तब तक के लिए बाय, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड लॉट्स ऑफ लव।